नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑन भारत के साथ आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। एक बार फिर से कुछ समय के लिए जो शांति थी दिल्ली में वो टूटी और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने खड़ी हो गई। मामला है आबकारी नीति पर, यानी शराब के ठेकों के आवंटन को लेकर हेराफेरी के आरोपों का। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे बदले की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की साफ छवि पर उनकी असलियत का दावा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जांच की मांग पर इतना बवाल हो क्यों रहा है? तो इसके दो वजह हो सकती है। पहला, इस साल अंत में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी सीधे बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। और दूसरा, ठेकों के बहाने, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या सरकार को ठिकाने लगाने की साजिश है? लिकर कार्टल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है। झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त अगर किसी से डर रही है तो अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई। एलजी की रिपोर्ट आई, बीजेपी ने आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी का जवाब आया और इसी के साथ एक बार फिर राजनीतिक जंग छिड़ गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई। ये विवाद शुरू कहां से हुआ, सबसे पहले ये समझिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। आरोप है कि शराब लाइसेंस टेंडर में गड़बड़ी हुई। नई आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। शराब कारोबारियों को 144 करोड़ की छूट दी गई। आबकारी विभाग को मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया। सिसोदिया ने GNCTD एक्ट का उल्लंघन किया, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर दे दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने सवाल किया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया और जुबानी जंग छिड़ गई। एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। 144.36 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री, लिहाजा आरोप सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं। इस बीच सिसोदिया ने प्रधानमंत्री को ही आड़े हाथों लिया। मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं, मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया है, अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। जैसे जैसे आपका देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आपको नहीं रोक सकती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नई आबकारी नीति के तहत आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब ठेकेदारों को मुनाफा पहुंचाया है। ठेके खोल के सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही थी और उस समय भी इनको पैसे कमाने की पड़ी थी जब देश को एक इंसानियत की जरूरत थी। तो ये आम आदमी पार्टी अब हटा के नाम अब ठेकेदार की सरकार कर देनी चाहिए, क्योंकि ठेके वालों की तो सरकार है ये। 16 लाख करोड़, आप हिंदुस्तान के कई स्टेट्स की भी अगर आप बजट्स को इकट्ठा कर लें, दर्जनों स्टेट्स के बजट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, तो शायद 16 लाख करोड़ का आंकड़ा पार नहीं होगा। इतना सिर्फ एक एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने, पेट्रोल डीजल पे लगाई गई एक्साइज ड्यूटी से कमा लिया है। अब इसको अगर दिन दहाड़े चोरी ना बोले, आदमी की जेब पे डाका ना बोले, लोगों को लूटना ना बोले, तो क्या बोले? और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की यह लड़ाई तो पुरानी है, बस मुद्दा नया मिल गया, दिल्ली की नई आबकारी नीति। लेकिन यह लड़ाई लंबी चल सकती है, क्योंकि आप और बीजेपी की इस लड़ाई को आने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तो ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है, क्या मनीष सिसोदिया की सच में गिरफ्तारी हो रही है? अरविंद केजरीवाल बहुत महीनों से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का नंबर अब आने वाला है, क्या ऐसा ही होने वाला है? इस विवाद के साथ साथ आज शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल ने जो एलजी के साथ अपनी एक बैठक थी वो रद्द कर दी। माना गया कि इस विवाद के साथ ही जो पूरा ये जो हंगामा हुआ है उसको लेकर मीटिंग रद्द की गई है, पर ऐसा पहले भी हुआ है। जरा थोड़े आंकड़े आपको पहले ये बता देते हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी जो हैं पुलकित के पास भी चलेंगे, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है अब सिंगापुर जाने पर लड़ाई चल रही है, आबकारी पे जो एलजी का ऑर्डर है उस पर चल रही है। 8 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी जिसको एलजी की तरफ से रद्द कर दिया गया था, 15 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद 22 जुलाई को केजरीवाल की तरफ से मीटिंग रद्द कर दी गई, 15 तारीख को ही दोनों मिल पाए थे। चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी पुलकित नागर के पास, लगातार इस खबर पे नजर रखे हुए हैं। ये थोड़ा शांति जो हो गई थी पुलकित, बीच में बड़ा चल रहा था कि अब तो शांति से काम चल रहा है केंद्र के साथ, वो शांति तो अब भंग हुई, और ऐसे भंग हुई है कि एक मंत्री जेल में और दूसरे के जाने की तैयारी है। आज अरविंद केजरीवाल अपने 2017 वाले रूप में दिखाई पड़े कि तुम सावरकर की औलाद और हम भगत सिंह की औलाद, यहां पर राजनीति पहुंच गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक बार फिर से दिल्ली में टकराव वाली स्थिति है, और अगर हम आज पूरे दिन के घटनाक्रम को देखें तो ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भी बातचीत हुई, असल में इसे समझा जाए तो पहले कैबिनेट से ये अप्रूवल था, लेकिन बीजेपी शुरू से ही एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठा रही थी। आज जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया तो दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी सामने नजर आए, और बीजेपी जहां ये दावा कर रही थी कि इससे आम लोगों को नुकसान हुआ, कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई, वहीं आम आदमी पार्टी इस डाटा के साथ सामने आई कि इससे 1300 करोड़ रुपए का फायदा 4 महीने के अंदर दिल्ली सरकार को हुआ है। हालांकि जब पॉलिसी लाई जा रही थी उस वक्त भी यही तर्क दिया गया था कि इससे जो अर्थव्यवस्था है दिल्ली की वो सुधरेगी, सरकार मजबूत होगी, और साथ ही शराब माफिया जो दिल्ली में है उन पर नकेल कसी जाएगी। बीजेपी के अपने तर्क थे इस पूरी पॉलिसी को लेकर कि इससे नुकसान क्या होगा और किस तरीके से कुछ कंपनियों को फायदा होगा। अब ये सीबीआई जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन नहीं। क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि अब थोड़ा सा केजरीवाल सरकार में और उनके साथ काम करने वाले लोगों को डर बैठ रहा है कि ईडी उन तक भी पहुंच सकता है, और ये कहीं ना कहीं आने वाले गुजरात और हिमाचल के चुनाव की जो आगाज है, जो लड़ाई होने वाली है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, उसका कम से कम शुरुआत की ओर दिखाई पड़ती है। देखिए अंकित, अगर आप देखें तो अब टकराव जो है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। अगर मैं पहले दिल्ली और पंजाब के स्टेट की बात करूं तो वहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जब आम आदमी पार्टी ने इन दोनों जगहों पर सरकार बनाई थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो दूसरी है। अब आम आदमी पार्टी की लड़ाई सीधी उन राज्यों से है जहां पे बीजेपी की सरकार है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब ये बता रही है, जहां बीजेपी ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके के दावे कर सरकार में आई थी वो उस तरीके की है नहीं, वहीं आम आदमी पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने की तैयारी है ये, भले ही सीबीआई का इस्तेमाल कर, भले ही ईडी का इस्तेमाल कर, लेकिन कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से गुजरात हिमाचल जैसे राज्यों तक आम आदमी पार्टी ना पहुंच पाए, ये आरोप आम आदमी पार्टी का है। जी, राजनीति इसमें बिल्कुल है, और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं, दिल्ली सरकार के एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं। सत्येंद्र जैन दूसरे थे, वो जेल में है, अगर मनीष के साथ भी ऐसा होता है तो दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुलकित। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर एक दूसरी पार्टी जो बीजेपी की विपक्षी पार्टी है कांग्रेस के अध्यक्ष माइनॉरिटी वाले एक बयान पर, उनके ऐसे बयान पर बवाल खड़ा हो गया। वहां जिग्नेश मेवानी को भी मुसलमानों की याद आ गई। अब सवाल उठता है कि अचानक कांग्रेस नेताओं की जुबान से गुजरात के अंदर चुनावों से पहले माइनॉरिटी और मुसलमान लगातार जो बाहर आ रहा है, वो क्या कांग्रेस पार्टी का डर है या मुसलमानों को डराने की कवायद? डंकानी चौट पर अटेस्टा प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सबसे पहलो अधिकार माइनो। गुजरात ना मुस्लिमों ने न्याय अपावा माटे जे संघर्ष करो, ए संघर्ष ने जाहिर मंचु पर हूँ सैल्यूट करू छू, सलाम करू। ये गुजरात कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं। पहले हैं जगदीश ठाकुर, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष, और दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता जिग्नेश मेवानी। ये क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तुष्टिकरण एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना,
इंग्लिश में इसे अपीजमेंट भी कहते हैं। मेवानी और ठाकुर दोनों जो कह रहे हैं उसे तुष्टिकरण के दायरे में रखा जा सकता है। अब समझने वाली बात तो यह है कि दोनों नेताओं ने अचानक एक साथ माइनॉरिटी और मुसलमान की बात क्यों की, दोनों एक साथ माइनॉरिटी के लिए चिंता क्यों करने लगे। तो जवाब है इसी साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव। गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, हलचल लाजमी है। ऐसे में जब ये बयान आए तो रिएक्शन भी हुआ। सबसे पहले बात करते हैं जिग्नेश ठाकुर के बयान। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर अल्पसंख्यकों के एक सम्मेलन में गए थे। यहाँ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक बात दोहरा दी जो मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कही थी। प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सबसे पहलो अधिकार माइनो अध्यक्ष नो कांग्रेस नो प्रधानमंत्री दंकानी चौथ पर એજ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। जाहिर सी बात है कि जगदीश ठाकुर ने यह बयान आने वाले चुनाव को देखते हुए दिया है। अब चुनाव में वोट मिलेंगे या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन रिएक्शन तुरंत हुआ। ठाकुर के इस बयान से नाराज बजरंग दल कार्यकर्ता रात के वक्त कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए और राजीव गांधी भवन का नाम बदलकर हज हाउस कर दिया। पूरे कांग्रेस दफ्तर पर पोस्टर चस्पा कर दिए, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति पर भी। इस पोस्टर पर लिखा था इस कार्यालय का नाम बदलकर हज हाउस कर दिया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर की दीवारों पर भी हज हाउस लिख दिया। वहां लगी कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों पर कालिक पोत। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के द्वारा कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन के अंदर दिए गए स्टेटमेंट के बाद में बजरंग दल द्वारा गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पर कालिक पोती गई, पेंट किया गया और पोस्टर्स लगाए गए हज हाउस के। आप देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पर कांग्रेस का निशान है और इसी के ऊपर यहाँ पर हज हाउस जो है वो बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं थे जो देर रात पहुंचे थे उनके द्वारा यहाँ पर हज हाउस लिख दिया गया, अलग अलग जगहों पर लिखा गया। ये भी वो दीवार है प्रदेश कार्यालय की जहां पर हज हाउस जो है वो लिख दिया गया था। देश की तिजोरी पर पहला हक किसका है इस बहस से इतर ये तो तय है कि राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान देना बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी के बयान के खिलाफ ऐसा उत्पात मचाना ये भी गलत है। अब बात करते हैं गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिग्नेश मेवानी की, जिन्होंने तीस्ता सितलवाड़ की तरफदारी करते हुए ये कहा कि गुजरात में मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए तीस्ता सितलवाड़ ने जो संघर्ष किया है उसे सलाम करता हूँ। सिन्हा ने सातों साल तीस्ता सितलवाड़ ने पड़ याद करवा मांगू छू। 19 जनवरी साजनी 8 वागे ली डिबेट में जे शू चर्चा से नीचे शू पट्टी हमने मारी गई से मारा नाम साथे एनी कोई चिंता कर्या वगर कहू के ए महिलाएं गुजरात ना मजलूमों ने न्याय अपावा माटे जे संघर्ष कर्यो ए संघर्ष ने जाहिर मंच पर हूं सैल्यूट करू छू ने सलाम करू छू। ये सोचने वाली बात है कि जिस तीस्ता सितलवाड़ पर गुजरात की तत्कालीन सरकार को पैसे लेकर अस्थिर करने का आरोप है कांग्रेस नेता उन्हें सलाम कर रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए गंभीर आरोपों में जांच की आंच झेल रही तीस्ता का नाम लेकर तुष्टिकरण करने की कोशिश कहां तक जायज है। कहा जा सकता है कि यह आने वाले गुजरात चुनाव का ही नतीजा है कि माइनॉरिटी और मुसलमान जैसे शब्द नेताओं की जुबान से निकल रहे हैं। शुरुआत भले ही कांग्रेस ने की है लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति में हर पार्टी के कूदने का प्रबल पूर्वानुमान है। अहमदाबाद से अमित राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत। ऑपोजिशन की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता की पोल पट्टी खुल गई। जिस गठबंधन के दम पर विपक्षी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को हराने की तैयारी कर रहे थे असल में उसका सच कुछ और ही है। सच यही है कि विपक्ष के विधायक और सांसद भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाल आए और अब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भी विपक्षी दलों में आपस में पूरा जो है कहीं ना कहीं जो असमंजस है वो समन्वय जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। और इस फूट की शुरुआत सबसे पहले
तृणमूल कांग्रेस से हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए, आपको पता चलेगा कि मोदी के खिलाफ 2024 में क्यों विपक्ष खुद ही राह आसान कर रहा है। एनडीए गठबंधन के खिलाफ खड़ी विपक्षी पार्टियों की सियासी चाल ऐसी है कि आपसी विवाद ही नहीं सुलझ रहा है। पहले राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कैंडिडेट को लेकर ही विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुए तो पता चला कि विपक्ष का आपसी खेल ही पहले से ज्यादा बिगड़ा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को छोटी बड़ी 44 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया, जो जीत के लिए पहले से ही काफी था। लेकिन चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई, मतलब विपक्ष के कई सांसदों और विधायकों ने भी यशवंत सिन्हा के बदले मुर्मू के पक्ष में अपना वोट डाल दिया। सबसे अधिक क्रॉस वोटिंग तो असम में हुई है। असम में 22 क्रॉस वोट पड़े, मध्य प्रदेश में 19 क्रॉस वोट डाले गए, बिहार में 6 विधायकों ने क्रॉस वोट डाल दिए, गुजरात में 10 और महाराष्ट्र में 16 क्रॉस वोट डाले गए। कुल 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है और कुल 113 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अंतरात्मा की आवाज को सुनी गई कि नहीं सुनी गई, इस पे मैं कुछ टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन पहली बार विपक्ष एकजुट है और इतना भारी मत जो है जसवंत सिन्हा साहब को मिला है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अंतरात्मा की आवाज सुनी गई, लेकिन यहाँ ईडी और सीबीआई भी है, उनकी भी आवाज सुनी गई है। बहुत सीधी सी बात है। ये आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी खेमे को बड़ा झटका लगा है, मतलब विपक्ष में अभी भी उस एकता की कमी है जो एनडीए गठबंधन को सीधी चुनौती दे सके। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जिसके सियासी विजन में कहीं कोई बाधा नहीं दिखती, लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भी विपक्ष का सारा ताना बाना बिखरा हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। I'm objecting to the process the opposition candidate was announced without consulting and deliberating and interacting with a party which has 35 MPs in both the house. And also ideologically, I cannot support the NDA candidate, come what may. So that is the reason we have decided to refrain ourselves from participating in the voting process. पहले राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग और अब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले टीएमसी का ऐलान कि हमारी पार्टी तो एकला चलो की राह पर ही चलेगी। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि ममता बनर्जी विपक्ष में प्रमुख चेहरा है, बावजूद इसके उन्हें आखिरी वक्त में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चयन वाले बैठक के बारे में जानकारी दी गई। खबर है कि शरद पवार ने ममता से बात की है। मार्गरेट अलवा के नाम पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है। कुल मिलाकर जो हाल है उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए गठबंधन वाले उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत तय है। इसके साथ ही ये भी साफ हो चला कि विपक्ष का दावा भले ही एकजुट होने का हो, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। नमक लगा करके तो पेपर है, कुछ लपेट के देना है। कितना हो गया? 43 रुपये इतना महंगा देते। देश की आम जनता महंगाई के कारण भुट्टे की तरह भुनी जा रही है और मंत्री जी को 15 रुपए में एक पका पकाया नमक नींबू लगाया भुट्टा महंगा लग रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि भुट्टे वाले लड़के ने ऊपर से जीएसटी नहीं जोड़ा, वरना मंत्री जी की परेशानी और हैरानी देखते ही बनती। संसद में कैंटीन वाली सब्सिडी भले ही खत्म हो गई है, लेकिन मंत्री जी को आदत अभी भी पुरानी वाली ही है। ये फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री साहब। मध्य प्रदेश में सड़क के रास्ते निकले थे, मौसम सुहाना देखा तो अपनी लाखों की एक्सयूवी गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया, फिर झक सफेद कुर्ता पैजामा चमकते हुए जूते पहनकर मंत्री जी टूटी हुई झोपड़ी में भुट्टा बेचने वाले लड़के के पास पहुंचे। 3 भुट्टा मांगा, यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन जैसे ही 3 भुट्टे की कीमत सुनी, स्वाद से पहले ही मंत्री जी की जीभ छनछना उठी। फग्गन सिंह कुलस्ते इस देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मतलब गांवों के विकास का ख्याल रखने की उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन गांव घर खेती किसानी से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें महंगाई का कोई एहसास ही नहीं है। महंगाई तो दूर की बात हो गई, अभी भी कुलस्ते साहब को लगता है कि किसान मेहनत से खेत में भुट्टा उगा कर फ्री में सब बांट देते हैं। 43 रुपये इतना महंगा देते? 15 रुपये का है। तुम सोच रहे गाड़ी देख के बताए, लेकिन भुट्टा नहीं, 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 नहीं। तो यहाँ पे फ्री में मिलता है। 5 रुपए का खरीद।
इस देश के ग्रामीण विकास मंत्री ये कहां जान पाएंगे कि इस देश में किसी गरीब के लिए 5 रुपया 10 रुपया की क्या कीमत है। साहब कहां जान पाएंगे कि टूटी हुई झोपड़ी में सुनसान सड़क के किनारे एक बच्चा किस हालत में भुट्टा बेचकर 100 से 200 रुपए अपने परिवार के लिए कमाता है। मंत्री जी को ये भी नहीं पता होगा कि आजकल नींबू और नमक का भाव क्या चल रहा है, वरना ना तो ऐसे सवाल करते और ना ही उनका ऐसा हैरान करने वाला जवाब आता। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बताए, लेकिन भुट्टा नहीं, 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 नहीं। तो यहाँ तो फ्री में मिलता है, लेकिन मैं 5 रुपए का खरीद के क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बेटा राम, तुम 15 रुपये में बेचते हो क्या के कीजिए? कितना कीजिए घूमता खेलों में क्या भाव बेचते? अफसोस है लेकिन सच है, जिस देश के संसद में महंगाई के नाम पर कोहराम मचा हो, विपक्ष के सवाल पर सरकार की चुप्पी हो, उसी देश के केंद्रीय मंत्री को सरेराह महंगाई से ऐसे सामना होता है कि एक भुट्टा की कीमत सुनकर हैरानी हो जाती है। थोड़ा और हंस लीजिए, संसद में महंगाई के नाम पर बवाल के बीच संसद की कार्यवाही चली ही नहीं। इस 4 दिन में यानी 18 जुलाई से 21 जुलाई तक कुल 26 करोड़ 40 लाख रुपए बर्बाद हो गए। लगातार 4 दिन तक संसद में महंगाई पर हंगामा हुआ। कहते हैं कि संसद अगर 1 घंटे चले तो 1.5 करोड़ का खर्च आता है और संसद 1 मिनट चले तो 2.5 लाख का खर्च। बताइए, उसी महंगाई पर चर्चा के चक्कर में करीब 26.5 करोड़ बर्बाद हो गए, जिससे मंत्री जी का सीधा सामना हुआ है। आखिर में 3 भुट्टे लेकर और अपने बटुए से 45 रुपए देकर मंत्री जी चले गए, लेकिन कई सवाल छोड़ गए, जिसमें सबसे अहम ये कि जब देश के केंद्रीय मंत्री को महंगाई से पसीना छूट जा रहा है तो वो भुट्टा बेचने वाला लड़का इस महंगाई में अपना परिवार कैसे चलाता होगा, क्योंकि महंगाई आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर ना तो सरकार बात करना चाहती है और ना ही सरकार के मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस भुट्टे के जरिए महंगाई का जो टीस है वो समझाने की कोशिश की थी मंत्री जी। कोशिश करें जो उनकी जेब उन्हें लगा है कट गई है 45 रुपए में, कम से कम जाके प्रधानमंत्री को बताएं, वित्त मंत्री को बताएं, कोशिश करें कि लोगों तक थोड़ी राहत जरूर पहुंच पाए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 3 बीवियों वाले पति का धर्म संकट। कहानी एक ऐसे पूर्व सरपंच की है जिनकी एक पत्नी पंच चुनाव जीत गई, एक सरपंच बन गई और तीसरी को दुख बात का है कि उसे चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया। बहुत दिक्कत है इनकी, देख लीजिए। इस तस्वीर को देखिए, सबसे दाई तरफ बैठी है मैलाबाई, नई नई पंच बनी। इनके बाद बैठी हैं सकरी बाई, सरपंच चुनाव में जीती हैं। तीसरे नंबर पर बैठे हैं समरथ मौर्य, पूर्व सरपंच। और स्क्रीन के सबसे बाईं तरफ बैठी हैं, उन्हें मलाल है कि उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा क्यों नहीं। लेकिन खबर ये नहीं है कि कौन क्या है, खबर तो ये है कि ये एक ही परिवार है। ये तीनों महिलाएं समरथ मौर्य की पत्नियां हैं। जी सही सुना, एक शख्स की 3 पत्नियां, एक पंच, एक सरपंच और तीसरी को चुनाव न लड़ने का मलाल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कुछ महीने पहले ही समरथ मौर्य की शादी सुर्खियों में थी। एक ही मंडप में 3 अलग अलग महिलाओं से शादी की। अरे पकड़ने की जरूरत है इसके बाद आया सरपंच का चुनाव। चूंकि इस बार सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित हो गई तो इन्होंने अपनी एक पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़वा दिया, दूसरी पत्नी को दूसरे वार्ड से खड़ा कर दिया, लेकिन तीसरी पत्नी शिक्षा विभाग में नौकरी करती है, ऐसे में नौकरी छोड़कर चुनाव लड़वाना सही नहीं समझा। लेकिन जब 2 पत्नियां चुनाव जीत गई तो तीसरी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने का मलाल दिखने लगा। अब ऐसे में पूर्व सरपंच परेशान होंगे कि तीसरी के साथ बैठकर मलाल मनाए या बाकी दोनों के साथ जीत का जश्न। दिक्कत बहुत है इन सरपंच जी की, कैसे घर में आई की टेबल पे बैठ के कहें पंच सरपंच और दूसरी को कहें सरकारी कर्मचारी, अब वो अपनी जाने। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद लोकतंत्र में बात करेंगे हमारी स्पेशल सेगमेंट की। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे जेल के अंदर से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन का सनसनीखेज केस।
चलिए अब वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको आज दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन का जेल की सलाखों के पीछे से सबसे बड़ा खेल क्या है। हम बात कर रहे हैं बांदा जेल में कैद माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की, जिस पर वाराणसी की अदालत में उस हत्याकांड की केस डायरी गायब करवाने का आरोप है, जिसमें उसे सजा मिलनी है 100% ऐसा तय माना जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल की सबसे सनसनीखेज चैप्टर को खोलती हुई हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जेल में बंद माफिया डॉन का सबसे बड़ा खेल। गैंगस्टर की क्राइम फाइल का सबसे सनसनीखेज चैप्टर। मुख्तार का गेम ओवर, सजा उम्र कैद या फांसी। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर ऐसा गेम कर दिया है, वाराणसी से बांदा और लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। बाहुबली ने यह दांव भले ही हत्या जैसे एक और संगीन जुर्म से बरी होने की चाल के तौर पर चला है, लेकिन उसका यह दांव अब की बार उल्टा पड़ सकता है। दरअसल मुख्तार पर 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में एक और FIR दर्ज की गई है। वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज इस FIR में माफिया डॉन पर मर्डर के मुकदमे की केस डायरी गायब करने का आरोप है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अभी तक अपने गुनाहों पर पर्दा डालने में कामयाब रहा है, लेकिन वाराणसी से जुड़ा एक ऐसा मामला है जो अब उसके जी का जंजाल बन चुका है। एक ऐसा मामला जिसमें मुख्तार अंसारी का बच पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। 31 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को अब सजा का डर सता रहा है, और शायद यही कारण है कि इस सजा से बचने के लिए वो हर जतन कर रहा है, हर संभव कोशिश कर रहा है। आरोप है कि उसने पहले इस मामले में गवाहों को धमकी दी और अब इस केस से जुड़ी हुई पूरी फाइल को ही गायब करा दिया। अवधेश राय मर्डर केस का पूरा किस्सा आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मुकदमे की केस डायरी गायब करवाने के जुर्म पर वाराणसी पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। अवधेश राय हत्याकांड जो बहुत पहले हुआ था, उसकी केस डायरी सुनियोजित तरीके से गायब करा दी गई, ताकि जो ट्रायल है उसको विलंबित किया जा सके। इस प्रकरण में एक आख्या पैरोकार के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसकी हमने चौकी प्रभारी कचहरी से जांच कराई। जांच के बाद पाया गया कि वास्तव में अभियोग को और ट्रायल को विलंबित करने का उद्देश्य रहा है और केस डायरी एक सुनियोजित साजिश के तहत गायब कराई गई है। वाराणसी में लहुराबीर इलाके के इसी घर के सामने 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनके जिस्म को छलनी कर दिया था। तब उनके भाई अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में बाहुबली मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अवधेश राय मर्डर केस में वाराणसी के चेतगंज थाने में माफिया मुख्तार के खिलाफ IPC की धारा 302 यानी हत्या, 147 यानी दंगा, 148 यानी घातक हथियार से बलवा और 149 यानी गैर कानूनी भीड़ जुटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। बताया जाता है कि 3 अगस्त 1991 को अजय राय के जो बड़े भाई हैं अवधेश राय, अपने कुछ साथियों के साथ इसी रास्ते से घर पे आते हैं। घर के गेट के पास उनकी कार रुकती है, तभी पीछे से एक और कार आती है और वहाँ से उस कार में से निकले बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस घटना में अवधेश राय की मौत हो जाती है। आरोप ये भी है कि इस घटना को मुख्तार अंसारी और उनके जो साथी थे उन्होंने अंजाम दिया था। जो अजय राय है वो मुख्य तौर पे गवाह है और वो अपने कोर्ट के अंदर वो एक तरीके से चट्टान की तरह मुख्तार अंसारी के सामने खड़े हैं। कांग्रेस नेता, 5 बार के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजय राय 3 दशक से अपने भाई हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि मर्डर के आरोपी माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सजाए मौत दिलवाना। महादेव जब तक हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है बाबा विश्वनाथ का, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पूरी ईमानदारी और दमदारी के साथ ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजना सरकार भेजे, हम सब लोग उसके लिए कटिबद्ध है। और गवाही तो मेरी तब हुई थी जब मुख्तार अंसारी का जलजला हुआ करता था 2007-08 में, जो सरकार उनको संरक्षण देती थी उस सरकार में 2007 में मेरी गवाही हुई थी
और जीरा 19 पेज का गवाह है उसमें पूरा हुआ। उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे करा के और ये जितने भी कागजात हैं ये सारी चीज़ें जो भी डिस्टर्बेंस है उन्हीं बीच के सारे दौर हैं। साथ में मेरी गवाही भी है और साथ से लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मेरा एक भी गवाह जितने भी हमारे भाई साथी हैं हमारे परिवार के लोग हैं हमारे खून से बढ़कर उनसे रिश्ता है वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और मुख्तार अंसारी को सिकंजों में भेजकर ही दम लेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ अवधेश राय हत्याकांड का मुकदमा चल ही रहा था कि इसी साल जून में पता चला कि ओरिजिनल केस डायरी ही गायब है। बनारस से लेकर प्रयागराज तक की अदालत में काफी खोजबीन की गई, बावजूद इसके केस डायरी नहीं मिली। ऐसे में फोटोकॉपी से ही मुकदमे की सुनवाई होने लगी, लेकिन मुख्तार ने इस पर एतराज जताया। वो ट्रायल पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया। फिलहाल केस डायरी गायब करवाने के आरोप में मुख्तार पर नया मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन दिवंगत अवधेश राय के भाई अजय राय केस डायरी की गुमशुदगी के लिए सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम सब लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और जो पूरी तरीके से सरकार का सहयोग मिलना चाहिए सरकार का साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कारण ये कि हम विपक्ष में हैं, हम कांग्रेस के नेता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता होते तब तक सारी सुरक्षा मिल गई होती, सारी व्यवस्था हो गई होती और बहुत तेज़ी से चीज़ें चलती। 5 साल पिछली सरकार 17 से लेकर 22 तक भी योगी जी थे और फिर 22 से लेकर भी ये चल रहा है इनका कार्यकाल। अब पूरे कार्यकाल में पूरी चीज़ों को डिले क्यों किया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि लगातार चीज़ें कभी पेपर गायब हो जा रहे हैं, कभी फाइल गायब हो जा, तो ये सब क्या है? हालांकि मुख्तार अंसारी के वकील केस डायरी गायब करवाने के आरोप में दर्ज नई FIR को फिजूल बता रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान मुकदमे को मैं एक हास्यास्पद रूप में देख रहा हूं और इस पर अपरिपक्व निर्णय लिया गया है, बिना किसी जांच के लिया गया है। कस्टोडियन उसका अभियोजन पक्ष है और पुलिस ने कैसे मुकदमा करा दिया मेरी समझ में नहीं है। चूंकि आप लोगों ने बताया तो मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ और ये हास्यास्पद है और कुछ नहीं कहा सकते। मुख्तार अंसारी हत्या जैसे संगीन अपराधों से बरी होने के लिए किन किन पैतरेबाजियों को आजमाया करता है आपको उसी के करीबियों की जुबानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि केस डायरी होती क्या है। केस डायरी सारे जो मुकदमों का कह लीजिए यदि कहा जाए तो पूरा सार होता है। केस डायरी में जब FIR दर्ज होता है तो डे फर्स्ट से जो विवेचना प्रोसीड करती है, विवेचक जो जो कार्रवाई करता है, जो पर्चा काटता है, डे बाय डे उसकी केस डायरी नाम ही है, वो डायरी के रूप में होता है। जिस दिन वो जिस उस मामले में जहां दबिश देता है, जहां कोई चीज़ बरामद करता है, डॉक्टर का बयान लेता है, गवाहों का बयान लेता है, सब चीज़ लिखित रूप में वो अपने केस डायरी में दर्ज करता रहता है। पूर्वांचल में एक दौर था जब माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। उसी गैंग वॉर में दबंग अवधेश राय मारे गए। अवधेश राय जी एक दबंग छवि वाले वो थे, उनका मतलब कि ऐसे आपराधिक गतिविधियों में उनका कोई सीधा साधा वो नहीं था, लेकिन माना जाता था, मुख्तार गिरोह ऐसा मानता था कि उनकी ब्रजेश गुट से नजदीकियां हैं, उनको संरक्षण देने का काम अवधेश राय करते हैं। अवधेश राय को खत्म करने से एक तरफ तो चंदासी कोयले मंडी पे वर्चस्व होता, दूसरे ब्रजेश गुट कमजोर पड़ता और शहर में मुख्तार गुट की स्वीकार्यता से लेकर के उनकी पकड़ मजबूत होती। बाहुबली नेता, माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 54 केस दर्ज हैं। वो अलग अलग वारदातों में 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। उसके गुनाहों पर करीबी नजर रखने वाले वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं कि मुख्तार सलाखों के पीछे से अपने गुनाहों की निशानियां मिटाने की चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसका बचना अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि अवधेश राय मर्डर केस में मुख्तार के खिलाफ गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद दबंग नेता अजय राय है। कुल मिला जुला के जो दशा बन रही है, जिस तरीके का केस हुआ है, वो उनका जेल की सलाखों के पीछे से निकलना तो असंभव प्रतीत हो रहा है और उसके ऊपर भी जो कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत हत्या के मामलों में मौत की सजा होती है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय हो। मुख्तार मुकदमों के गवाहों से कैसे डील करता है, ये आपको उसे बेहद करीब से जानने वाले वाराणसी के समाजसेवी और नेता सुधीर सिंह की जुबानी सुनाते हैं। एक समय ऐसा था कि मैं भी समाजवादी पार्टी में था और मैं प्रदेश का सचिव था
मुख्तार अंसारी विधायक था, उसके समर्थन से सरकार चलती थी। अफजाल अंसारी सपा के जो है सांसद थे, मैं उनके साथ कभी नहीं था, लेकिन हम लोग एक दल में थे और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इन सबों के, क्योंकि मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। इन सबों का ये है कि कहीं भी कोई घटना हुई तो गवाह को पहले प्रभावित करो। गवाह को सीधे सीधे ऑफर रहता है, या तो करोड़ों रुपए ले लो या तो तुम्हारी जान चली जाएगी। गवाहों के पलटने या सबूतों के अभाव में मुख्तार को क्लीन चीट मिलने की कई मिसालें हैं। 29 अगस्त 2009 को गाजीपुर में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या हुई। इस मर्डर का इल्जाम भी मुख्तार अंसारी के सिर पर था, लेकिन सितंबर 2017 में 7 अन्य आरोपियों के साथ इस मर्डर केस में वो बरी हो गया। अब अवधेश राय हत्याकांड में भी केस डायरी गायब करा दी गई है, जिसे मुख्तार की हिस्ट्री शीट का नया चैप्टर बताया जा रहा है। यहाँ जो फाइल गायब हुई है, ये इनके द्वारा कई साल पहले गायब कराई गई थी और जानबूझकर कोर्ट में अर्जी दी गई कि साहब फाइल मंगाई जाए तब मेरा मुकदमा सुना जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि फाइल तो मिलेगी नहीं, और फाइल नहीं मिलेगी तो जैसे बृजेश सिंह का मुकदमा खत्म हो गया बिना फाइल के, वैसे मेरा भी खत्म हो जाएगा। तो ये फाइल उन्होंने गायब कराई है, ये पहले ही मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज मुकदमा हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भी जो इनके मुकदमे चल रहे हैं उनकी भी फाइलें खोजी जानी चाहिए। दर्जनों लोग मरते हैं कृष्णानंद राय की हत्या में और पता नहीं चलता कि गोली किसने चलाई, ये सीबीआई से भी बरी हो जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है और इनकी फंडिंग विदेशों से होती है, इनका पैसा पाकिस्तान से आता है। जिस कृष्णानंद राय मर्डर केस का जिक्र सामने आया है, आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, लेकिन जुलाई 2019 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट से इस मुकदमे में भी मुख्तार बरी हो गया। अपने रसूख और हनक के दम पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से पर सालों तक राज किया। इस दौरान उसके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और धमकी जैसे कई संगीन आरोप लगे। वो पिछले कई सालों से जेल के अंदर बंद है, लेकिन अदालत में मुख्तार अंसारी के सामने कोई नहीं टिक पाता। या तो गवाह मैदान छोड़कर चले जाते हैं या फिर उन्हें दुनिया से छोड़कर जाने पर एक तरीके से मजबूर कर दिया जाता है। मुख्तार के खौफ का आलम यह है कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी गवाह मुख्तार के सामने पलट गए और समूची बीजेपी सरकार देखती रह गई। बांदा की जेल से पहले मुख्तार पंजाब की वहां अकेले मुख्तार अपनी बीवी के साथ रहता था। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी वाज कैप्ट इन अ पंजाब जेल फॉर 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 परचे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते, उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया सर, उस एफआईआर चो डिफॉल्ट बेल नहीं ली सर। नहीं नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। Let me finish. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir, 2 saal 3 mahine unnu Punjab di Ropar jail ch rakhya gaya. Jis barrack de vich 25 bande aane chahide si, he was given a VIP treatment. Usdi wife us jail ch naal rehndi si, sir. 1996 में मुख्तार पहली बार मऊ से बीएसपी के टिकट पर विधायक बना, फिर वो इसी मऊ सीट से 2017 तक 5 बार विधायक चुना गया। आज की तारीख में मुख्तार अंसारी के शरीर से खादी भले ही उतर गया हो, लेकिन इसके परिवार वाले आज भी संसद और विधानसभा में मुख्तार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। माफिया डॉन मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा सांसद है, जबकि बेटा अब्बास अंसारी मऊ से एसपी के टिकट पर विधायक है। जाहिर है सिस्टम में मुख्तार एंड फैमिली की पैठ बहुत पुरानी है। ऐसे में अवधेश राय हत्याकांड की केस डायरी गायब कराने का मामला हो या फिर कोई और मुकदमा, माफिया के कहर का शिकार बने पीड़ितों के इंसाफ के लिए मुख्तार का कानूनी हिसाब बहुत जरूरी है। आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, वाराणसी।